हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्रश्नावली 10.2 रेखा का समीकरण से संबंधित क्वेश्चन को करेंगे। तो सभी छात्र देखें प्रश्नावली 10.2। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्स और वाई अक्षों पर समीकरण लिखिए। तो हम जैसे यदि हमने यह ग्राफ लिया तो एक्स अक्ष यह आपका एक्स अक्ष है और यह क्या है आपका y अक्ष है। तो x अक्ष पर y का मान 0 होता है और y अक्ष पर x बराबर 0 होता है। तो यहां पर x अक्ष का समीकरण क्या हो जाएगा आपका y इक्वल टू 0, ये सरल लेखक। और y अक्ष का समीकरण x इक्वल टू 0, ये आपके आंसर है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें ढाल दी हुई है, ढाल मतलब m दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 1/2 और बिंदु -4 x 3 से जाने वाली रेखा। तो हमको एक आपको थ्योरम बता चुके हैं कि बिंदु एक्स जीरो वाई जीरो से जाने वाली तथा प्रवणता एम, प्रवणता एम या स्लोप कह दें, इसको स्लोप भी कह सकते हैं, रेखा का समीकरण क्या फॉर्मूला है इसका, y माइनस y जीरो इक्वल टू m x माइनस x जीरो, ये इसका नियम है। ठीक है, तो यहां पर आप मान रख दीजिए, तो y और y जीरो कितना दिया है 3। यहां देखिए ये y जीरो है और यह x जीरो है। ठीक है, इक्वल m कितना दिया हुआ है 1/2 और x माइनस x जीरो, x जीरो कितना दिया है -4, तो माइनस माइनस +4 हो जाएगा। इसको आप थोड़ा सा सिंपल कर लें, 2 को मल्टीप्लाई यहां करिए 2/-6 x प्लस 4। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो 2/-x इक्वल 6+4, तो यह आ जाएगा आपका 2/-x इक्वल 10। क्लियर, अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बिंदु 0,0 से जाने वाली और ढाल m वाली। तो अभी हमने आपको ये फार्मूला बताया था कि y माइनस y जीरो इक्वल m x माइनस x जीरो, ये फार्मूला होता है। तो इसमें y जीरो कितना है 0, m कितना दिया हुआ है m ही दिया हुआ है x माइनस 0। इसको सॉल्व कर लेंगे तो y इक्वल टू एम एक्स, यह आपका आंसर हो गया। अब अगले क्वेश्चन में यहां पर आपका x अक्ष से 75 अंश का कोण, तो यहां पर m इक्वल टू हो जाएगा आपका 10/75। क्लियर, ठीक है, तो समीकरण का क्या फॉर्मूला होता है, x जीरो आपका दिया हुआ है 2 और y जीरो दिया हुआ है 2√3। तो आप इस नियम में मान रख देंगे, तो इसमें मान रखिए, तो y ये आपका नियम है, इसमें मान पुट कर दीजिए, तो y जीरो है आपका -2√3 इक्वल m, m कितना है आपका 10/75
एक्स माइनस एक्स जीरो, एक्स जीरो कितना है टू, ठीक है, ये आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मूल बिंदु से बाई ओर एक्स अक्ष को 3 इकाई की दूरी पर प्रतिच्छेद करें और ढाल कितने दी हुई है, माइनस टू वाली। तो हम यहां देखते हैं कि ग्राफ में कि एक्स अक्ष के बाई ओर, तो बाई ओर क्या होगा, ये माइनस थ्री और ये जीरो, यानी इस बिंदु से गुजरने वाली रेखा, और स्लोप कितना दिया माइनस टू। तो इसमें आप एक्स जीरो का मान माइनस थ्री, वाई जीरो का मान जीरो और एम इक्वल टू माइनस टू, ये मान पुट कर देंगे। नियम क्या दिया था हमने, वाई माइनस वाई जीरो इक्वल एम एक्स माइनस एक्स जीरो, इसमें मान पुट करेंगे, वाई वाई जीरो कितना है जीरो, एम कितना है माइनस टू, और एक्स कितना दिया हुआ है एक्स माइनस एक्स जीरो, एक्स जीरो कितना है थ्री, माइनस माइनस प्लस प्लस थ्री। इसको सॉल्व कर लें तो वाई इक्वल टू माइनस टू एक्स माइनस सिक्स, तो वाई प्लस टू एक्स इक्वल माइनस सिक्स, ये आपका आंसर हो गया। या चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो कि 2x प्लस वाई प्लस सिक्स इक्वल जीरो, ये भी आपका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं, मूल बिंदु से y अक्ष को 2 इकाई की दूरी पर प्रतिच्छेद करने वाली। तो हम यहां पर देखते हैं कि यह x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, तो दो बिंदु 2 इकाई, तो यहां पर कोऑर्डिनेट क्या होगा इस बिंदु पर, जीरो टू, और तो यहां पर आपका एक्स नॉट इक्वल टू दिया हुआ है जीरो और वाई नॉट इक्वल टू दिया हुआ है टू, एम कितना दिया हुआ है टेन थर्टी, टेन थर्टी का मान कितना होगा वन वाई रूट थ्री। आपको कौन सा नियम यूज करना है, y माइनस वाई जीरो इक्वल एम एक्स माइनस एक्स जीरो, तो इसमें मान रख दीजिए y वाई जीरो टू, एम है आपका वन वाई रूट थ्री एक्स माइनस जीरो, तो y माइनस टू इक्वल एक्स अपॉन रूट थ्री। इसको सॉल्व कर लीजिए तो आपका आ जाएगा y इंटू रूट थ्री माइनस टू इंटू रूट थ्री इक्वल एक्स, क्लियर। तो आप x को यहां ले आएंगे तो y रूट थ्री माइनस एक्स इक्वल टू रूट थ्री, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंदुओं दो बिंदु दिए उससे जाने वाली रेखा, तो इसमें कौन सा नियम लगेगा आपका, यहां देखिए y माइनस y1 y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1, तो इसमें मान पुट कर दीजिए। तो y y1 कितना है, यहां पर देखिए y1 है, ये आपका x1 है, ये y1 है, और ये क्या है आपका x2 और y2, क्लियर। तो y कितना है 1, y2 कितना है माइनस फोर माइनस वन अपॉन x2 कितना है 2 और माइनस वन, तो माइनस माइनस प्लस वन x माइनस x1 x प्लस वन, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिए तो यह आ जाएगा y माइनस वन माइनस फाइव अपॉन थ्री एक्स प्लस वन, तो इसको और सिंपल करेंगे तो थ्री का मल्टीप्लाई किया थ्री वाई माइनस थ्री माइनस फाइव एक्स माइनस वाई,
और माइनस फाइव को यहाँ लाएंगे तो प्लस टू इक्वल जीरो, ये आपका आंसर है। इसी तरह से प्रश्नावली के और भी क्वेश्चन हैं, इनको आप सॉल्व करें। ओके, थैंक यू।